इंग्लिश क्लासेस, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मैं करा रही हूँ आपको DAAA+ भी, ये हमारे सो TGT PGT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन, यूपी का हो चाहे और भी स्टेट का हो, तो सभी में आपको ये हेल्पफुल रहने वाले हैं सारे वीडियोस। तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले चैनल को, अगर अब तक नहीं आप जुड़े मेरे साथ तो क्योंकि काफ़ी बेनिफिट आपको होने वाला है। और ये सीरीज़ बहुत लंबी चल रही है, 99 प्रैक्टिस सेट है आज, और ऐसे ही आगे भी हम लोग करेंगे। और फिर मैं एक और जो है स्टार्टिंग से दोबारा से मैं सेशन से स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी तरीके के। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए वीडियो को अपनी, और लाइक शेयर करना जरूर गाइज, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेंगे स्क्रीन पर क्या है हमारे पास। इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज़ ऑन पोएट्री, मिल्टन ने अपनी कौन सी पोएम के अंदर पोएट्री को लेकर के व्यूज़ दिए हैं। लाइसिटस है, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, या फिर सैमसन एगनिस्ट है। कौन सी पोएम की बात हो रही है, तो लाइसिटस की बात हो रही है, जो कि हमारे पास में 1637 में आई थी। ये एक एलिजी है जो किंग एडवर्ड के लिए इन्होंने जो है एडवर्ड किंग के लिए इन्होंने जो है लिखी थी। ठीक है, अच्छा इसमें पैराडाइज लॉस्ट जो है वह आपकी 1667 में आई थी, और दोबारा जो आई थी वो 1671 में आई थी। पैराडाइज रिगेंड आपकी 1674 में आई थी, और सैमसन एगनिस्ट भी 1674 में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दैट लोअर क्लास वॉज प्रेजेंटेड इन गार्ल्सवर्थीज, गार्ल्सवर्थी के कौन से नॉवल में हमें लोअर क्लास देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर इसको देखें हम लोग तो यहाँ फ्रेटर्निटी की बात हो रही है, सी ऑप्शन में है। फ्रेटर्निटी जो है लोअर क्लास बताती है, और अगर अपर क्लास की बात करेंगे तो कंट्री हाउस बताती है, याद रखिएगा इन दोनों चीज़ों को। सीन सीट ऑबर्न लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लान, फेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर द लेबरिंग स्वेन। तो इसमें देख लीजिए ये लाइन आपको नज़र आ रही है, तो इसमें आपको बताना क्या है कि कौन सा यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच हमें नज़र आ रहा है। तो गाइज इसमें आपका अपोस्ट्रॉफी है, कौन सा है, सीट ऑबर्न लवलीस्ट विलेज ऑफ प्लेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर द लेबरिंग स्वेन। ठीक है, तो स्वीट ऑबर्न कहकर के किसी को संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा अपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। विच इज़ द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाई शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़। आप क्लासिकल यूनिटीज़ में टाइम, प्लेस और एक्शन तीनों आती हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि कौन सी इनमें से यूनिटी ऑफ टाइम, मतलब यूनिटी ऑफ क्लासिकल यूनिटीज़ में से नहीं है, तो वो टाइम, प्लेस, एक्शन होगा, तीनों होंगे, बाकी जो अलग मिलेगी आपको वही आपका आंसर होगा। तो इसमें बताना क्या है हमें कि टेम्पेस्ट में तो कह रहे हैं ही, इससे अलग जो है कौन से प्ले में हमें ये यूनिटी देखने को मिलती है ना। तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, यस द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, नेक्स्ट चलेंगे। बीट है ये, बेस्ट नहीं है, सॉरी ये बीट है, ये बीट है, बीट राइटर्स की बात हो रही है। तो बीट राइटर्स इनमें से किसे कहा जाता है, जिन्होंने 1950 में लिखा, 1940, 1960 या फिर 1980। तो यहाँ पर जो 1950 में जिन्होंने लिखा है उनको बीट राइटर्स कहा गया। पर्सोना, टोन एंड वॉयस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म, ये बताना है आपको कि पर्सोना, टोन एंड इन रिसेंट क्रिटिसिज्म। तो द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन, द टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड प्लॉट इन मॉडर्न नॉवल, द टेंडेंसी टू इन्फ्यूज एज अ मेजर लिटरेरी टूल, या फिर द टेंडेंसी टू थिंक ऑल नरेटिव एंड लिरिक वर्क्स ऑफ लिटरेचर एज डिस्कोर्स। तो कौन सा यहाँ पर आपका आंसर होगा, तो पहला ही है गाइज, द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। तो ये जो पर्सोना है, टोन है, वॉयस है, वो रिफ्लेक्ट है, वॉयस रिफ्लेक्ट जो है वो रिसेंट क्रिटिसिज्म जो है किसके लिए है, द टेंडेंसी टू हाईलाइट कैरेक्टराइजेशन। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ग्लॉज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डी 40 years, बहुत फेमस लाइन है और मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों को इसका पता होगा। तो ये हमारी इमोर्टैलिटी ऑड की है, मीनेस्ट फ्लावर जिसमें आ रहा है इमोर्टैलिटी ऑड होगा, जो कि हमारे वर्ड्सवर्थ का है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की ये पोयम है। चलिए, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, इसमें बताइए क्या होगा। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, तो ये लूसी की बात हो रही है, बहुत प्यारी लाइन है, ये आपको याद रखनी है, टू लूसी पोएम से है, और इसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हु सेड अबाउट मिल्टन, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू,
बताइए इसमें किसने कहा है मिल्टन के बारे में ऐसा। तो ये तो बहुत फेमस है, मैंने पहले भी करवाया है ये क्वेश्चन, तो जॉन ड्राइडन हमारा आंसर होगा। विच पॉम्स ऑफ मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्प्रिट, जॉयस इन नेचर। इनकी कौन सी पोयम है ऐसी मिल्टन की जो जॉयस है नेचर में और एलिजाबेथन स्प्रिट से काफ़ी ज़्यादा भरी पूरी हैं। तो ये हॉटन पोयम्स हैं, पोयम आफ्टर गेटिंग ब्लाइंड हैं, पोयम रिटन आफ्टर कमिंग फ्रॉम प्रिजन, या पोयम्स रिटन ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड। तो इसमें जो है ये हॉटन पोयम्स है, ठीक है भाई, हॉटन पोयम्स हैं। और ये शायद आपका हॉटन पोयम जो है 1632 से लेकर के 1637 या 8 तक का टाइम पीरियड था। विच वन ऑफ दिस डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन एज लीव ओवर इज बाइबल। विच ऑफ दिस, इनमें से किसने ये डिस्क्रिप्शन दी है किसके बारे में, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, कि द ड्रीम, ये क्या कहा है इसको, प्यूरिटन फॉलन एज लीव बाइबल के ऊपर एक ड्रीम कहा है। तो लेमर्टाइन का कहना है, जेसी रेंसम है, नॉर्थरॉप फ्राई है, या फिर जैक्स डेरिडा है, कौन है इसमें? तो इसमें शायद आपका आंसर लेमर्टाइन है, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। द माउंटेन्स एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन, अ हेल ऑफ हेवन, द लाइन अबव लाइन आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई हैं ये लाइन्स? तो ये तो बहुत फेमस लाइन है, इनको आप अच्छे से जानते हो, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, इनको तो भूलना ही नहीं है ना। To reign is worth ambition, though inhale, better to reign in hell than serve in heaven. किसने कहा है? सेटन ने कहा है। कभी कभी ये भी आ जाता है कि कहा किसने है, तो सेटन ने कहा है, और ये भी हमारी जो है पैराडाइज लॉस्ट की ही लाइन है। When man evolved pity, he did a queer thing, deprived himself of the power of living life, as it is without wishing it to become something different. किसने कही ये बात? तो जॉन गाल्सवर्दी हैं, जी बी शाह हैं हमारे पास, थॉमस हार्डी और डी एच लॉरेंस। तो इनमें से किसने ऐसा कहा है? तो ये आपका जॉन गाल्सवर्दी का है, ये स्टेटमेंट जॉन गाल्सवर्दी की है। Who quoted the following line in Justice? Justice में ये लाइन किसने बोली है? तो quality of mercy is not stained. तो वाल्टर हाउ हैं, रॉबर्ट कॉक्शन हैं, विलियम फाल्डर हैं, स्विडल हैं। तो वाल्टर हाउ हैं गाइज, यहाँ पर ए ऑप्शन में से सही है हमारा। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन ऑकर इन द प्ले। म्यूट सीन और ट्रायल सीन आपको कौन से प्ले में मिलते हैं? जस्टिस में, मेड इन वेटिंग में, वेक थॉट्स ऑन आर्ट में, सेंस प्रोग्रेस। ठीक है, तो जस्टिस आप जानते हो गाल्सवर्दी का है, मेड इन वेटिंग भी और सेंस प्रोग्रेस भी, ये सारे ही वर्क गाल्सवर्दी के हैं। तो ये हमें जस्टिस में मिलते हैं दोनों ही, म्यूट सीन भी और ट्रायल सीन भी। यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड, भाई हैव नोन होगा, सिंस आया है तो आप हैव नोन का यूज करेंगे बिल्कुल बिना दिक्कत के। अवर जवान्स ले डैश टू द टाउन ऑफ एनिमी, तो सीज हो जाएगा है ना, सीज, सी ऑप्शन सही है इसमें, रोक देना, सीज कर देना। ही डैश अ लैम्प फ्रॉम द सीलिंग, तो लटका हुआ है भाई, लटका हुआ, एक तो फांसी पे लटका हुआ होता है और एक वैसे लटका हुआ होता है कोई चीज, तो ये छत पे पंखा लटका हुआ है, तो आप इसमें क्या यूज करोगे? ठीक है, ही ले, ठीक है, क्या हो जाएगा, ले ले लेन होता है। दिमाग कहाँ जा रहा है मेरा, हैंग पे है ना, हम तो हैंग पे है। देखिए हैंग, हैंगड का मतलब तो फांसी पे लटकाना हो जाता है, ठीक है, हैंगड की कोई सेंस नहीं होती है, हैंगड ऑन, तो हंग हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, सेकंड फॉर्म है ना कि लटकाया भाई उसने पंखे को, लटका दिया छत पर, तो हंग आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। He dash on the grass enjoying the sunshine. He dash on the grass, तो वो पड़ा हुआ है sunshine को enjoy करने के लिए घास पे, तो ये आपका ले हो जाएगा, पड़ा हुआ है वो, है ना या लेटता है, ठीक है, लेटता है हो जाएगा, वैसे यहाँ पे ले आ जाएगा हमारा। He dash to find himself famous. Awoke, awake, walk, awoken. क्या होगा इसमें? Awoke होगा, first form होगी इसमें ना, अवोक अब सेकेंड फॉर्म हो गया ना, पाया उसने, जागा हुआ पाया खुद को। टू रीड बिटवीन द लाइन, इस idiom की क्या मतलब होता है? टू रीड बिटवीन द लाइन, तो टू लुक फॉर मीनिंग्स दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस्ड, मतलब गहराई से पढ़ना किसी चीज़ को, जो मीनिंग एक्सप्रेस भी नहीं है उसको भी जान लेना अच्छे से, तो यही हो जाता है रीड बिटवीन द लाइन, ऊपरी ऊपरी से ना पढ़ना बल्कि जो गहराई से मतलब छुपा हुआ है उसको भी जान लेना। To give somebody the cold shoulder,
इसका क्या होगा, ये छोटी ही रहेगी वीडियो क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही है और अच्छा है कि अपना जल्दी ही आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो टू गिव somebody, लाइक शेयर कर दो एक अगर अच्छा लग रहा है तो, टू गिव somebody द कोल्ड शोल्डर, टू गिव somebody द कोल्ड शोल्डर इसका क्या मतलब होगा, तो ये होता है टू स्नबिम, यानी कि इंसल्ट करना किसी की, है ना, किसी को इग्नोर करना होता है, क्या हो जाएगा पहला, यानी कि इग्नोर करना किसी को, कोल्ड शोल्डर देना, इग्नोर करना। फर्टिव का क्या होगा, तो फर्टिव का एक तरीके से जो अगर हम देखें तो यहाँ स्टील दिया कोवर्ट होता है, छुपा हुआ जिसको कहते हैं, गुपचुप कहते हैं इसको, गुड़ कह लीजिए, है ना, गुपचुप कह लीजिए, तो ये छुपा हुआ होता है कोवर्ट, जो मतलब सामने ना हो, जो छुपा हुआ मतलब हो किसी बात का या इस तरीके से। तो करेज और ग्रिट आपको पता है, साहस होता है, स्टील बासी होता है, चैटरिंग लोकेशंस ज़्यादा बातें करने वाला होता है, पता है। गालिंग का क्या मतलब होगा, गालिंग का सिनोनिम, तो यहाँ एक्सप्लोजन है, आउटबस्ट है, तो विस्फोट होता है, इन दोनों का मतलब विस्फोट, आउटबस्ट या फिर एक्सप्लोजन हो जाएगा। और अगर इसको देखें हम, इरिटेटिंग या हरासिंग होगा इसका आंसर। गालिंग का मतलब इरिटेट करना या हरास करना, और ये पता ही है आपको, हरास करना, इरिटेट करना। और डिस्क्रेडिट या डिक्रे का मतलब होता है बदनाम करना, डिक्री का मतलब बदनाम, डिस्क्रेडिट का बदनाम करना। और वीक और फिंट आपको पता ही है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब सपनों वाली बातें, इमेजिन करना चीज़ों को, मान लेना, अनुमान लगा लेना, है ना। तो सपोज्ड या अनकंफर्ड, तो उसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। और जो हमारे पास ऑफ हैंड है, मतलब एकदम से जो बिना किसी तैयारी के जो स्पीच हम देते हैं, ऑफ हैंड या एक्सटेम्परी इसको बोला जाता है। और रोविंग या नोमैडिक होता है एक तरीके से घूमना, ठीक है, क्या हो जाता है, रोविंग मतलब घूमना, इसको कह सकते हो आप, रोविंग घूमना। और सिंसियर या कैंडिड स्पष्ट होता है बिल्कुल, ये आप जानते हो। गालिश, गैलश क्या बोला जाएगा, ग्लैश बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, गॉलश या गैलस, तो ये स्टीव होता है, स्टीव होता है, एक गोश्त होता है गाइस, एक गोश्त होता है जो, मतलब यही इसका आंसर है, एक गोश्त होता है जो धीमी धीमी आँच पर बहुत देर तक पकाया जाता है, है ना, ऑयल के अंदर। और इसको ओलियो भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ओलियो। ट्रेसपास इंट्रूड, है ना, और फनी ह्यूमरस आप जानते हो। और ग्रूसम डिसमल होता है, भीषण भयंकर, ठीक है, भयंकर कह दीजिए, भयंकर कह दीजिए, ठीक है। चलिए अब ये फॉरेन एक्सप्रेशन है दो तीन, तो लिटरेरा स्क्रिप्टा मैनेट, इसका क्या मतलब होगा, यस, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो ये आपके पास ऑप्शन है, व्हाट इज इट इज, व्हाट इज रिटन इज परमानेंट, जो लिखा गया वो परमानेंट है। व्हाट यू गिव, जो तुम देते हो, यू रिसीव, तुम्हें मिलता है। व्हाट यू हैव, जो तुम हो, इज योर्स, वो तुम्हारा है, ठीक है, जो तुम हो वही तुम्हारा है। तो इस तरीके से जो होगा हमारा आंसर, तो ये बी होगा इसमें, ठीक है। व्हाट इज रिटन इज परमानेंट, क्या हो जाएगा, व्हाट इज रिटन इज परमानेंट, लिटरेरा स्क्रिप्टा मैनेट, याद रखिएगा इसको। अब लिटरेटी होता है खाली, लिटरेटी, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, लिटरेटी में आंसर एक्टर है, लिटरेरी मैन है, डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, क्या होगा इसमें, तो आई थिंक ये आपका बनना चाहिए बी, लिटरेरी मैन होगा, लिटरेटी का मतलब, करेक्ट। अच्छा, एक मैग्नम ओपस होती है, मैग्नम ओपस होता है एक ग्रेट मास्टरपीस किसी भी चीज़ का, है ना। और अगर मैं मेलाफाइडी बोनाफाइडी कहूँ, मेला मतलब बुरा, बैड फेथ वाला, और बोनाफाइडी अच्छे फेथ वाला, गुड फेथ वाला, ठीक है। अच्छा, एक है इसमें हम, अब हमारे पास में नेक्स्ट है ये वाला, मैनो अ मैनो, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा, मैनो अ मैनो, तो ये भाई ए ही है, डायरेक्टली या फिर फेस टू फेस, कन्फर्मेशन में या कन्फ्लिक्ट में, दुविधा में या कन्फर्मेशन दुविधा में, डायरेक्टली फेस टू फेस, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो यही थे गाइस, छोटी सी वीडियो थी, काफ़ी इसमें मैंने आपको दे दिया है, शेयर करना ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, लाइक शेयर कर देना गाइस, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। अच्छा, इसका मैंने वो नहीं बताया, ए हो जाएगा ना।